तो साफ जाहिर है साथ दोस्तों की कंपनी ना हो तो वह सफर अधूरा रहता है। बिल्कुल, मैं भी हमेशा ऐसे ही करता हूँ कि जितने मेरे दोस्त होते हैं, रूममेट होते हैं या इसके अलावा बाहर से हॉस्टल से बिलोंग रखते हैं, मैं उनको जरूर इनवाइट करता हूँ। मेरी ये हैबिट है कि जितनी ज्यादा गैदरिंग होगी उतना ज्यादा मजा आएगा। तो मेरी इस जर्मनी में मेरे साथ अहमद बशीर फ्राम स्वाबी से बिलोंग रखते हैं और यहाँ BBA के स्टूडेंट हैं हजारा यूनिवर्सिटी में, तो ये भी मेरे साथ इस जर्नी में तैयार हैं इंजॉय करने के लिए सफर, और जाके वहां देखेंगे हम के कैसी जिंदगी बसर कर रहे हैं हिंदू लोग। हमेशा की तरह मैंने हॉस्टल की छत से अपने व्लॉग का आगाज किया और मेरे सफर
इंसान को चाहे वो किसी भी रिलीजियस से बिलोंग रखता हो मुकम्मल मजहबी आज़ादी होगी। फ्रेंड्स अभी हम पहुंच चुके हैं उस जगह के बिल्कुल करीब, तो अब यहां से हम ट्रैकिंग के लिए ऊपर जाएंगे। तो ये रास्ता बहुत ही शॉर्ट था हमारे हॉस्टल से। जफर जमाली और मैं और मेरा दोस्त बशीर जो कैमरामैन है, अभी हम चलते हैं मंदिर की तरफ। तो आइए आपको वो जगह भी दिखाते हैं, तो कैसा रूट है, कैसे जाना पड़ता है, इन्फॉर्मेशन कम्प्लीट आपके साथ शेयर करेंगे। चलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरे दोस्त जफर जमाली और बशीर जो कि स्वाबी से बिलोंग रखते हैं, ये जर्नी जा रहा है हमारा एक मंदिर की तरफ, जो कि बहुत ही खूबसूरत जर्नी हमारा गुजरा है। 5 से 6 किलोमीटर का फासला था हमारे हॉस्टल से, तो आप देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं। ये आप देख सकते हैं कि अब हम उस गली में इंटर हो गए हैं जहाँ से मंदिर की तरफ ऊपर की तरफ चढ़ाई है, काफ़ी रास्ता जाता है। तो आप दोस्त देख सकते हैं, वो दरवाजा खुला हुआ है छोटा, वो छोटा आगे, ख्याल करना घर का ना हो। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि दरवाजे पर कुछ तहरीर अवेजा थी जो कि टेंपल के बारे में थी। फ्रेंड्स ये है मंदिर का मेन मरकजी दरवाज़ा जो कि शेवा मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो कि ज़िला मनसेरा और तहसील बफा दुराई के दरमियान वाक़िया है। जब हमने मंदिर के मरकजी दरवाज़े पर दस्तक दी तो केपी की पुलिस का एक जवान बाहर आया, तो उसने हमसे दरियाफ्त किया कि खैरियत से आए हैं। तो हम दोस्तों ने कहा कि हम हज़ारा यूनिवर्सिटी से मंदिर एक्सप्लोर करने आए हैं ताकि हम इंटरनेशनल व्यूअर को दिखा सकें कि पाकिस्तान मिनोरिटी के हवाले से और रिलीजियस के हवाले से किस तरह पुरअमन मुल्क है। तो लेकिन केपी के पुलिस के जवान ने हमें बताया कि मंदिर में क्रिसमस की तैयारियां हो रही हैं, जिसकी वजह से मंदिर आर्जी तौर पर बंद किया गया है। लेकिन पंजाब पुलिस के जवान ने हमें अंदर आने की तो इजाज़त दे दी, लेकिन हमें वीडियो बनाने से मना किया। उन्होंने कहा कि आप सिर्फ फ़ोटो से ही इस्तफादा कर सकते। हम दोस्तों ने मंदिर में दाखिल होने के बाद मुख्तलिफ एंगल से फ़ोटो बनाए, लेकिन जो एक ख़ास बात थी वो ये सफ़ेद पत्थर था। मकामी हिंदू कम्युनिटी इसे चिट्टी घट्टी यानी कि सफ़ेद पत्थर के नाम से पुकारते हैं, जो कि संस्कृत जबान का लफ्ज़ है। क्रिसमस के मौके की वजह से हमें यहाँ मुख्तलिफ हिंदू कम्युनिटी के वर्शिप नज़र नहीं आए, जो कि मुख्तलिफ अवकात में यहाँ अपनी इबादत करने के लिए आते हैं। शेवा टेंपल की हिस्ट्री साइन बोर्ड पर अवेजा है, जो कि आप पढ़ सकते हैं।